अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सन 2000 एक छोटे से किसान के बेटे ने एक बड़ा सा सपना साकार किया, इंडो फार्म ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स कंपनी की नींव रख के। ये वो सपना था जिसे श्री आरएस खडवालिया बचपन से देखा था। बचपन में जब वो अपने पिता को चिलचिलाती धूप और कड़ाके की सर्दियों में बैलों के साथ अपने खेतों में जुटे देखते तो उनके मन में एक हूक उठती और वो खुद भी अपने पिता के साथ काम में जुट जाते, ये सोचते हुए कि एक दिन वो अपने पिता के लिए एक शानदार ट्रैक्टर लाएंगे जिस पर सवार होकर उनके पिता शान और चैन से अपने खेतों में काम करेंगे। और यही बचपन की वो भावना थी जिसके बीज अंकुरित हुए और श्री आरएस खडवालिया के साथ बढ़ते हुए एक विश्व स्तरीय ट्रैक्टर कंपनी के रूप में विकसित हुए। यही वजह है कि इंडो फार्म ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स कंपनी मुनाफे से ज्यादा किसानों के हित को अहमियत देती है और इंडो फार्म का हमेशा यही लक्ष्य रहेगा, अपने देश के किसानों और अपने ग्राहकों को कम से कम कीमत में बेहतरीन वर्ल्ड क्लास फार्म और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराना। सबसे अच्छा ट्रैक्टर, इसलिए अच्छा ट्रैक्टर, इसमें कम खर्चा, ताकत ज्यादा, सक्सेस ज्यादा, लोड को उठाता है, ट्रॉली को उठाता है, खेती को अच्छा बनाता है, इसलिए ये पसंद कराया हमने किसानों ने। कोई थकावट नहीं है इसमें, स्टैंडर्ड चीज है एकदम। ऐसे बैठ के ऐसा लगता है जिवें बंदा सोफे पे बैठा होए, काम काज दा पता नहीं लगता किदा हो जाता है। जो पढ़ा लिखा फार्मर है उसको जो फैसिलिटी चाहिए आजकल में, जैसे मॉडर्न गाड़ी है, पावर स्टेयरिंग है, पावर विंडोज है, वैसे सारी फैसिलिटी इसमें आ गई है। दो मेरे बेटे हैं और तीसरा बेटा मेरा इंडो फार्म ट्रैक्टर। फार्मर ने एक्नोलेज किया है कि ये सबसे अच्छा ट्रैक्टर है, पुलिंग पावर में, फ्यूल कंजम्पशन में, रिलायबिलिटी में। आज हमारी कंपनी की स्थापना के 12 साल पूरे हुए हैं। इन 12 वर्षों में कंपनी अच्छे और बुरे दौर से गुजरी है, बट हम थके नहीं हैं, हारे नहीं हैं। हमने अपना हौसला, अपने इरादे कभी कमज़ोर नहीं किए। हमने नई सोच और नई तकनीक के साथ इस प्रोडक्ट को, इस कंपनी को आगे बढ़ाया है। अब करीबन हम 10 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स बनाते हैं। 3 सीरीज ट्रैक्टर्स बनाने शुरू किए अप टू 65 HP, बाद में हमने उनको 90 HP तक ले गए। 2004 और 2005 में हमने फाउंड्री पर भी काम शुरू किया, जिसको हमने 2006 में कमीशन किया। उसके बाद हमने क्रेन्स, पिक एंड कैरी क्रेन्स बनाए, हार्वेस्टर कंबाइन्स बनाए, रोटोवेटर बनाए। इस तरह आज हमारे वाइड वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट्स है। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स सारे देश में बिक रहे हैं, विदेश में भी बिक रहे हैं। हमने इंजन्स जो डीजी सेट में लगते हैं करीबन 35-40 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किए हैं। हमने ट्रैक्टर भी करीबन 15 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किए हैं और एक्सपोर्ट मार्केट्स में हम फॉरेन कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पीट करते हैं। हमने एक बहुत अच्छा वर्क कल्चर कंपनी में बनाया है और हमारे एम्प्लॉयज़ का मोराल बहुत अच्छा है, बहुत लगन से काम करते हैं और बहुत चैलेंजेस देते हैं वो, ताकि हम प्रोडक्ट्स को, अपने प्रोडक्ट और वर्किंग को स्ट्रीमलाइन करें, बड़ी फास्ट करें और बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। विश्व भर में इंडो फार्म की बेहतरीन क्वालिटी और डिज़ाइन की ना ही सिर्फ सराहना की जाती है, बल्कि हमारे देसी और विदेशी प्रतियोगी भी हमारी गुणवत्ता का लोहा मानते हैं। यही वजह है कि जिस विश्व प्रसिद्ध पोलैंड की अर्सिस कंपनी से किसी समय में हम ट्रैक्टर्स के इंजन मंगाया करते थे, आज वही कंपनी अपने ट्रैक्टर्स में हमारे इंजन्स का इस्तेमाल कर रही है। लॉन्गेस्ट हिमालयन एक्सपीडिशन ऑन ट्रैक्टर इंडो फार्म 3065 DI के ऊपर।
जो कि 65 हॉर्स पावर का एक जो इन्होंने हमें ट्रैक्टर दिया, उसके ऊपर हम लोगों ने इसको शुरू किया। तो ये पूरा 14 दिन के एक्सपीडिशन में हम लोगों ने लगभग 3623 किलोमीटर का जो है सफ़र तय किया, जिसमें वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड खरदुंगला शामिल है। इसके अलावा हम लोगों ने 12 और हाई पासिस जो है वो भी इसके ऊपर कवर की, और हाई अल्टीट्यूड के ऊपर मैंने बहुत सारे दो तीन ट्रैक्टर से पहले ही मैंने ट्रैवल किया, उसमें अंदर जो है ऑक्सीजन हाई अल्टीट्यूड पर कम होने की वजह से तो ट्रैक्टर को जो है वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आती है, पावर नहीं दे पाता। लेकिन इंडोफार्म जो हम लेके गए इसके अंदर ऐसा कोई खास हमें प्रॉब्लम नहीं आई। तो हमने एक्सपेडिशन पूरा किया और हमारा नाम निम्का बुक रिकॉर्ड में 2012 में आया, इसके साथ ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आया, और इसके साथ हमने फीमेल फिटिसाइड की प्रॉब्लम को हाईलाइट किया, जिससे हमें ट्रैक्टर के साथ काफ़ी हेल्प मिला, क्योंकि ट्रैक्टर दिखने में काफ़ी इसका कलर ग्रीन था और काफ़ी दिखने में दूसरे ट्रैक्टर से अलग था। जहाँ भी हम जाते एकदम भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, भीड़ इकट्ठी होती तो उससे हमें अवेयरनेस के में काफ़ी हेल्प मिली, क्योंकि हमारे पास लिटरेचर था, वो हमने बांटा लोगों में, काफ़ी कुछ किया, तो उसको काफ़ी अच्छा रहा। महज 12 सालों में जो हमने किया है, इसका श्रेय मैं इंडोफार्म के सभी उन सभी एम्प्लॉयज को देना चाहूँगा जिनकी मेहनत, लगन और ईमानदारी से ये संभव हो पाया है। आज इंडोफार्म उन सभी एम्प्लॉयज को नमन करता है, सलाम करता है। इंडोफार्म कंपनी विच 11 साल तो काम कर रहे हैं। इंडोफार्म दे वर्कर भाइयों के नाल रहिंदे होए, उन्हां दे नाल काम करदे होए 8 घंटे किद्दां बीत जांदे हन कुछ पता ही नहीं चलता। इंडोफार्म दे नाल मेरा परिवार, उन्हां दा पालन पोषण बड़े अच्छे ढंग दे नाल हो रहा। मैं इंडोफार्म में पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ। यह कंपनी मेरे लिए परिवार की तरह है और यहाँ मुझे बहुत ही मान सम्मान मिला है। इस कंपनी द्वारा बहुत सारी सुविधाएं वर्कर को दी जाती हैं, जैसे अच्छे पगार, मंथली इंसेंटिव, सालाना बोनस, आने जाने के लिए बस की सुविधा और खाने के लिए बढ़िया कैंटीन। वी आर अ कंपनी, अपकमिंग कंपनी, अ नेम विच इज़ फेमस इन इंडिया एंड इन कमिंग ईयर्स वी वांट टू बी नंबर वन इन द मार्केट। इंडोफार्म की तरक्की में ही हम सब वर्कर की तरक्की है। देयर इज ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज इंडोफार्म एंड आवर मेन फोकस इज टू ऑफर द बेस्ट टू ऑल द कस्टमर्स to both internal and external. All the best, and very soon we will make Indofarm number one all over India. Sorry that I cannot talk to you in Hindi, because Mary Hindi, Bia China Hi. Nayaha, Mare Nayaha, Iske Siva Jana Kaha. मैं पिछले 8 वर्षों से इंडोफार्म के साथ काम कर रहा हूँ। मुझे जो इंडोफार्म में मान सम्मान सत्कार मिला है और कहीं नहीं मिला है, मेरी दिले तमन्ना है कि मैं इंडोफार्म को विश्व की नंबर वन कंपनी बनते हुए देखूं। मेरा मान, मेरी शान, मेरी जान, इंडोफार्म तुझे सलाम। हमारी ये यात्रा यहाँ समाप्त नहीं हुई है, बल्कि यहाँ से हमारी एक नई शुरुआत शुरू होती है। एक कंपनी के पहले 12 साल ऐसे ही होते हैं जैसे मनुष्य के जीवन में पहले 12 साल होते हैं। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं। आज इंडोफार्म भी 12 साल के उस बच्चे के समान है जिसके होनहार होने के गुणों को सबने पहचाना है, परंतु उस बच्चे को बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ कर दिखाना है, पूरी दुनिया के सामने अपने होनहार होने की सच्चाई को साबित करना है। अभी तो उसके जीवन के असली युद्ध की शुरुआत होनी है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। शुरुआत होनी है उस युद्ध की जहां एक 12 वर्ष के बालक को अपने अथाह शक्तिशाली प्रतियोगियों से आमने सामने की लड़ाई लड़नी है, उन्हें कर्म भूमि के मैदान में पछाड़ना है जो आज उसके सामने विशालकाय राक्षसों की तरह युद्ध मैदान में खड़े होकर उसे ललकार रहे। अभिमन्यु नहीं, उसे अर्जुन बनना है। उसे तोड़ने हैं सारे चक्रव्यूह और फहराना है पूरे विश्व में अपनी जीत का परचम। वो बच्चा आज भी कमजोर है अपने महाशक्तिशाली प्रतियोगियों के सामने। उसे सामना करना है उनकी अपार धन संपदा, उनके अनंत संसाधनों और उनकी असीम शक्तियों और क्षमताओं का। युद्ध का बिगुल बज चुका है, महायात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हमें अब पूरे जोश के साथ, पूरे दमखम से अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। हमें अपनी मेहनत, लगन, ईमानदारी और अपनी कार्य कुशलता का परचम पूरे विश्व में फहराना है। आइए हम हाथ मिलाएं और प्रतिज्ञा करें,
हम पूरे तन मन से अपनी इस विजय यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। सारी हदें सब सरहदें हम तो चले हैं तोड़ के कदमों के हम अपने निशान पीछे चले हैं छोड़ के आगे भी हैं और मंजिलें जिनको अभी तो पाना है ये जो भी है शुरुआत है बढ़ते हमें जाना है हौसला खुद पे यकीन इरादों पे है एतबार हर सपना सच कर जाएगा ये इंडो फार्म परिवार इंडो फार्म